प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को चुनावी हुकार भरने के लिए रुद्रपुर पहुंच रहे हैं और रुद्रपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रपुर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और समीक्षा की। इसी दौरान सीएम धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल में केंद्र की 2 लाख करोड़ की योजनाओं को राज्य में अमली जामा पहचाना जा रहा है, जबकि यूपीए सरकार में ये बजट महज 15% था। इसी क्रम में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि मंगलवार की रैली ऐतिहासिक रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीतने जा रही है, इसमें कोई संदेह कहीं है नहीं। और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी फिर से शपथ लेंगे तो देश के साथ साथ राज्य का भी विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। क्योंकि जहाँ से भी इस प्रकार की शिकायतें आएंगी, हम पूरी तरह से जो अतिक्रमण, चाहे वो जिस रूप में भी है, उस अतिक्रमण के खिलाफ हमारा अभियान है, ये अभियान हमारा जारी रहेगा। देखिए, ऐतिहासिक रैली होगी, लोगों को बहुत प्यार है मोदी जी से और मोदी का उत्तराखंड से बहुत प्यार है। और जिस प्रकार से वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, वो नारा कार्यकर्ताओं से हटकर जनता ने ले लिया है और वो उत्साह कल की रैली में आपको दिखाई देगा।